हेलो फ्रेंड्स, घर का खाना में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आई हूँ वो है ब्रेड रोल। ब्रेड रोल जो कि खाने में बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही कुरकुरे, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इसे बनाते कैसे हैं आइए वो देखते हैं। और ये बनाना भी बहुत आसान है और ये जो इसकी सामग्री है लाइकली वो घर में आसानी से मिल जाता है। तो आइए जो इसकी सामग्री है पहले हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमने लिया है ब्रेड। ब्रेड जो कि हमने वाइट ब्रेड यूज़ किया है, आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने 4 उबले हुए आलू लिए हैं जिसे मैंने छील लिया है। इसके अलावा हमने मटर लिया है, ये मटर ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना लें। हरी मिर्च जिसे कि मैंने बारीक काट लिया है। इसके अलावा मैंने धनिया पत्ता लिया है, इसे भी मैंने बारीक काट लिया है। आमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च जो कि कश्मीरी मिर्च मैंने यूज़ किया है, आप जो भी मिर्च खाते हैं वो मिर्च आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक स्वाद अनुसार। अब सबसे पहले हम ब्रेड में भरने के लिए जो हमने फिलिंग तैयार करनी है, तो सबसे पहले हम आलू को हम अच्छी तरीके से मैश कर लेते हैं। ये जो हमारे ब्रेड है इसके हम साइड से कट कर देते हैं, जो एक्स्ट्रा है ये ब्राउन ब्राउन है साइड से काट देते हैं चारों तरफ से। अब ये सबसे पहले फ्रेंड्स हमने जो ब्रेड के साइड के हैं उसे हमने काट के अलग निकाल दिया है। ये देखिए मैंने सारे ब्रेड के काट के निकाल दिया है और उसे आप फेंके नहीं, उसे भी बाद में हम फ्राई कर लेंगे। अब ये फ्रेंड्स सबसे पहले हम ब्रेड में भरने के लिए जो आलू की फिलिंग है उसे हम तैयार कर लेंगे। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला है, तेल को हम गर्म होने देते हैं। अब ये हमारा तेल गर्म हो गया है, अब इसमें हम सबसे पहले फ्लेम को हम कम कर लेंगे। अब सबसे पहले इसमें ये जो हमारी हरी मिर्च है ये डालेंगे। अब ये धनिया पाउडर है ये डालेंगे हम इसमें, लगभग हमने ये 1 चम्मच डाला। साथ ही गरम मसाला जो है ये 1/2 चम्मच। आमचूर पाउडर है 1/2 चम्मच। मिर्च पाउडर है, मैंने कश्मीरी मिर्च यूज़ की है, तीखी नहीं होती है, 1/2 चम्मच डाल रही हूँ। अब ये जो हमारा मटर है ये डाल देंगे, इनको हम अच्छी तरीके से चलाएंगे। अब इसमें जो हमारी मैश किए हुए आलू हैं ये हम डाल देंगे। हम आलू डाल के इसको अच्छी तरीके से चलाएंगे। कुकिंग ऑयल आप जो भी यूज़ करते हैं आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। अब इसमें हम जो हमारा धनिया पत्ता है ये डाल देंगे। अब आती है नमक डालने की बारी, तो नमक हम इसमें स्वाद अनुसार डालेंगे। जो हमारा फ्लेम है ये कम है, मैंने लो फ्लेम पे रखा हुआ है। अब इसे हम 1 से 2 मिनट तक इसी तरीके से चलाते हुए अच्छी तरीके से सबको मैश कर लेंगे, पका लेंगे। जो हमारे मसाले हैं अच्छी तरीके से भुन जाएंगे तो जो इसकी खुशबू है और जो इसका टेस्ट है बहुत ही अच्छा आएगा। अब ये जो हमारा ब्रेड में भरने वाली फिलिंग है ये तैयार हो गई है, अब मैं फ्लेम बंद कर रही हूँ। अभी फ्रेंड्स ये जो आलू की फिलिंग है तैयार हुई, इसको हम इस तरीके से हाथ में लेके और इसके छोटे छोटे से इस तरीके से लंबे आकार में, आप चाहें तो गोल भी बना सकते हैं, जो आपको शेप पसंद हो वो शेप दे सकते हैं हम इसे। इस तरीके से देखिए मैंने इस तरीके से हम तैयार कर लेंगे। अब ये जो हम ब्रेड में भरने के लिए जो ये हमारे तैयार फिलिंग है ये हम ब्रेड में भरेंगे। अभी फ्रेंड्स मैंने एक छोटी सी थाली ली है, आप चाहें तो कोई भी बर्तन ले सकते हैं जो थोड़ा सा गहरा हो, और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब इसमें मैं ये जो हमारा ब्रेड का स्लाइस है इसमें मैं इस तरीके से डालूंगी, इसको भिगो लेंगे। बस इस तरीके से भिगोने के बाद इसको हम इस तरीके से निचोड़ लेंगे, इसका पानी सारा हम निकाल लेंगे इस तरीके से। और जो ये अभी हमने ये आलू की जो फिलिंग तैयार की है इसको हम इस तरीके से बीच में रख देंगे और इस तरीके से इसको दबा देंगे। अब इसको हम एक शेप दे देंगे, ये देखिए इस तरीके से हमने इसको शेप दे दिया है। अब इसी तरीके से हम बाकी के जो हमारे ब्रेड्स हैं उनके भी बना लेंगे। ये फ्रेंड्स मैं आपको एक और बना के दिखा रही हूँ। इसी तरीके से हमने पानी में डाला, इसे गीला कर लिया है, इसको इस तरीके से हम निचोड़ लेंगे ब्रेड को। अब इसमें जो हमने ये फिलिंग तैयार की है इस तरीके से बीच में रख देंगे
इसको हम बंद कर देंगे। बहुत ही आसान है ये, बहुत आसानी से बन जाता है। ये देखिए बहुत ही आसानी से ये हमारा एक ब्रेड रोल जो है भर के तैयार हो गया है। अब ये फ्रेंड्स हमने ये ब्रेड रोल की फिनिंग जो है सारी तैयार कर ली है, ब्रेड में भर लिया है। अब ये सबसे पहले हमने गैस पे कढ़ाई रखी है, इसमें मैंने तेल डाल दिया है गर्म होने के लिए। तेल बिल्कुल हमारा गर्म हो जाना चाहिए और गर्म होने के बाद मैंने जो फ्लेम है उसे बिल्कुल कम कर लिया है। ये हम मीडियम आँच पर बनाएंगे और ये तेल हमारा जो है गर्म हो चुका है। अब ये देखिए साइड से मैं ये जो हमारा ब्रेड रोल है तरीके से डाल देंगे, इसको हम पलट देंगे। अभी हम चेक कर लेते हैं, अभी साइड भी हमारा जो है डीप ब्राउन हो गया है। इसको हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। इसी तरीके से जो हमारे बाकी के जो रोल्स हैं वो भी हम फ्राई कर लेंगे। अभी फ्रेंड्स हमारा दोनों साइड से डीप ब्राउन हो गया है, अब मैं इसको निकालूंगी। तो फ्रेंड्स ये हमारे ब्रेड रोल बनके तैयार हैं जो कि बहुत ही क्रिस्पी बने हैं और इसे आप रेड सॉस या फिर ग्रीन सॉस के साथ सर्व करें, बहुत ही खाने में टेस्टी लगेंगे, बहुत ही कुरकुरे बने हैं। इसे आप बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं, ये बच्चों को बहुत पसंद आएगा, बच्चे बहुत ही इंटरेस्ट लेके इसे खाएंगे। फ्रेंड्स अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आ जाते हैं और आपके घर में ये ब्रेड है और आलू है तो आप तुरंत ही स्नैक्स बना सकते हैं जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही क्रिस्पी, और मेहमानों को भी ये बहुत पसंद आएगा। बहुत ही जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है। तो फ्रेंड्स ये आज का हमारा चटपटा रेसिपी आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा, ये बिल्कुल फ्री है। तो फ्रेंड्स मैं आपसे फिर मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।